लड़की का बने और उन जवान सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो तमाम तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि हजारों हजार की संख्या में जो है किसान देखिए, मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ और गाजीपुर बॉर्डर पर तमाम किसान जो हैं आज पुलवामा में शहीद हो गए सभी जो है किसान आंदोलन में आए हुए हैं, ये सभी किसान हैं और यहाँ पर जो है 14 फरवरी को हमें देश के जवान उनके लिए जो है श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। आज हम लोगों ने कैंडल मार्च किए हैं और कैंडल मार्च के जो पुलवामा में हमारे देश के जवान शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और देश के और सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि हम ही जवान हैं, हम ही किसान हैं और देश के अन्नदाता के साथ ये सरकार अत्याचार कर रही है, क्योंकि हमारे बेटा देश की हिफाजत करने के लिए सरहद पर जाते हैं, नेता का बेटा सरहद पर नहीं जाता है। इसलिए सरकार हमारी मांग को पूरी करे, नहीं तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आप लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। जिस तरीके से शहीदों की जो है शहीद का दर्जा देने की भी मांग उठती रहती है, क्या इस मंच से किसान आंदोलन के मंच से इस जो बिल्कुल बिल्कुल हम एक बात कहते हैं कि जो जवान शहीद हुए थे जिनका स्मारक नहीं बन पाया है ये सरकार उनका स्मारक बनाए और पुलवामा में जितने जवान शहीद हुए हैं उनका शहीद का दर्जा दे, तब जाके ये सरकार सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएगी। नहीं तो ये सरकार अगर किसान जवानों को जो शहीद हुए उनके शहीद का दर्जा नहीं देती है तो ये सरकार देश के जवानों को अपमान कर रही है, तिरंगे का अपमान कर रही है और देश के जवानों पर लाश पे राजनीति कर रही है। सरकार जो शहीद हुए हैं पुलवामा में उनको अभी तुरंत जल्द से जल्द शहीद का दर्जा दे, उनका स्मारक बनावे, तब जाके हमारे देश के जो जवान शहीद हुए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिल पाएगी। तमाम कहा जाता है जय जवान जय किसान के नारे दिए जाते हैं, सरकार तमाम ये नारे देती रहती है, क्या इस नारों पर खरी उतरती है सरकार? देखिए, ये तो सरकार उतर नहीं रही है लेकिन फिर भी हमारे संघर्ष पे भरोसा है और ये सरकार को हम अपना हक और अधिकार लेकर रहेंगे। शर्मिंदा है क्योंकि हमारे जवानों के कातिल अभी जिंदा है। तो क्यों ऐसा शहीदों का दर्जा क्यों नहीं दिया सरकार ने? ये सरकार, मैंने पहले भी कहा था, ये दोहरी नीति अपना रही है, कहती कुछ और है और करती कुछ और है। अगर ये शहीदों को भी उनकी शहीद का दर्जा नहीं दे सकती तो और करेगी क्या? देश में किसान और सीमा पर जवान और फिर भी हिंदुस्तान परेशान। तो ये कैंडल मार्च किसान और जवान दोनों के लिए है, ये किसान और जवान सबके लिए है जिन्होंने शहादत दी है देश के लिए। किसानों का ये कैंडल मार्च जो निकाला गया है, ये जवान जो पुलवामा में शहीद हुए थे
उनके लिए भी है और जो आंदोलन में जो शहीद हुए हैं किसान उनके लिए भी ये कैंडल मार्च निकाला गया है। ये देखिए, ये गाजीपुर की मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान जो है कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। क्या मैसेज है? 2 साल पहले 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस कैंडल मार्च? 14 फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था जिसमें हमारे जो जवान थे वो शहीद हो गए थे, और वो भी जो जवान शहीद हुए थे वो किसानों के ही बेटे थे। तो आज जो किसान है वो भी यहाँ पे है, और जवान जो है वो आप देख ही सकते हैं कि कैसे जवान और किसान आमने सामने हैं, पर वो एक चाचा भतीजा या आप उनको बाप बेटा बोले। तो हमारा यही मकसद है कि जो भी हमारे जवान शहीद हुए थे उनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और वो जहाँ भी है वो खुश रहे और उनके आत्मा को शांति मिले। ये जो कैंडल मार्च निकाला जा रहा है खाली जवानों के लिए या किसान भी जो शहीद हुए हैं उनके? ये जो है ये हमारे जो पुलवामा में शहीद हुए वीर जवान हैं उनकी याद में है, और जो हमारे 100 200 जो किसान यहाँ शहीद हुए हैं इन दोनों के लिए है। और मैं समझता हूँ कि आज वो दौर, वो काला दौर आ चुका है जब हिंदुस्तान में तानाशाही अपने चरम पर आ चुकी है, और इस तानाशाही को खत्म करने के लिए इस किसान विरोधी जवान विरोधी सरकार को हटाने के लिए हम सब युवा साथी आज हम अपने शहीदों के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैसेज क्या? हम ये मैसेज देना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान को कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, हमारे हमारे किसानों को समर्थन दे, क्योंकि वही अन्न उगाता है तभी आप खाते हैं। और मैं समझता हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध करता हूँ कि सबसे पहले पुलवामा के शहीदों को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो शहीदों का वो मिलना चाहिए वो दिया जाए। दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि अब ये जो आंदोलन है ये जन क्रांति का रूप ले चुकी है। जी धन्यवाद। जो जवान मेरे शहीद हुए थे सबसे पहले तो मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, और उनके लिए जो आप देख रहे हैं कि ये लोग तमाम लोग हाथों में कैंडल्स मोमबत्तियाँ लेकर, और ये देखिए हाथ में मोम टपक रहा है लेकिन मोमबत्ती हाथ से नहीं छूटी है, क्योंकि ये देश के जवान के लिए। देखिए हाथ में मोम टपके जा रहा है लेकिन मोमबत्ती नहीं छोड़ी, क्योंकि इनके दिल में दर्द है अपने जवानों को लेकर जो शहीद हुए हैं, क्योंकि वो इन्हीं के बच्चे थे, इन्हीं किसानों के बच्चे थे, इन मजदूर के बच्चे थे। और अगर सरहद पर इसी तरीके से देश के जवान शहीद होते रहेंगे, क्योंकि वो इसलिए शहीद होते हैं क्योंकि जवान जो हैं वो किसान के बेटे होते हैं, मजदूर के बेटे होते हैं। जिस दिन सरहद पर नेताओं के बच्चे हिफाजत करने लगेंगे उस दिन सरहद पे कोई शहीद नहीं होगा, ये बात आप मुझसे लिख के ले लीजिए। और इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर बनने का जो झूठा ढोंग धतूरा रचा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पुलवामा को लेकर आज क्यों नहीं गए उनके तमाम उन शहीदों के घर जाते और जाकर उनके घर पे कम से कम सांत्वना तो देते जाकर, अगर आपको इतना ही दर्द था तो? आप तो बंगाल तक पहुंच जाते हैं चुनावी प्रचार करने, क्या आप उन शहीदों के घर नहीं जा सकते जिन्होंने देश के खातिर अपनी जान दे दी? और एक बात बताइए, आप एक रिवॉल्वर लगाकर दिल्ली का बैरिकेड क्रॉस नहीं कर सकते, और वो 350 किलो RDX और जेलिटीन लेकर पुलवामा के अंदर घुसा तो घुसा कैसे? इसके पीछे किसकी साजिश थी, किसका षड्यंत्र था, ये बताइए ना आप मुझे। सैटेलाइट ये बता देता है कि अगर पंजाब में किसान पराली जला रहे हैं तो उसके धुएं से दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन सैटेलाइट ये नहीं बताता कि 350 किलो RDX और जेलेटिन लेकर वो गाड़ी पुलवामा में घुसी तो घुसी कैसे? आप एक बात मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर का इतनी आम जगह है कि कोई भी घुस जाएगा गाड़ी लेकर? तो उन तमाम जवानों की शहादत को लेकर आपको जवाब देना होगा, और उसको लेकर पूरे देश को और उनके परिवार को एक निष्पक्ष कार्रवाई चाहिए, और उन तमाम हत्यारों को सजा चाहिए, क्योंकि देश के जवानों की शहादत कोई वोट बैंक का धंधा नहीं जिसे आपने वोट बैंक का धंधा बना लिया है, ये देश के किसान की शहादत है जो माँ अपने कलेजे पे पत्थर रखकर अपने बच्चों को सरहद की हिफाजत करने के लिए भेजती है। जय हिंद जय भारत। मंत्र पर भी आपने देखा होगा शहीद का दर्जा देने के लिए जो है मांग उठती रहती है जो शहीद हुए जवान उनके लिए। देखिए 14 फरवरी देश के इतिहास का काला दिन है, और ये इतिहास में काले अक्षरों से ही लिखा जाएगा। आज हमारे तमाम
जो हमारे आपने देखा जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जो हमारे क्रांतिकारी भाई शहीद हुए थे, वो जो हमारे देश के जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत को हरगिज़ नहीं बुलाया जाएगा और उनकी शहादत को इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। और उन माओं से भी कहने जाएंगे कि भले ही आपके बेटों की शहादत को देश के नेताओं ने वोट बैंक का धंधा बना लिया हो, लेकिन देश के लोगों के दिलों में, देश की जनता के दिलों में आपके बेटों का दिल हमेशा, आपके बेटों को हमेशा याद रखा जाएगा, उनकी शहादत को नहीं भूला जाएगा कि हमारे देश के जवान जो पुलवामा में शहीद हुए उनको हरगिज़ नहीं भूला जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आपके बच्चों की शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा। 14 फरवरी का दिन इतिहास में काले अक्षरों से लिखा गया था, है और लिखा रहेगा।